नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सर्वर में दिक्कत के बाद अमेरिका में विमान सेवा ठप, विभिन्न हवाई अड्डों में हजारों यात्री फंसे, 93 फ्लाइट रद्द, 1200 विमानों की उड़ान में देरी, विमानन कंपनियों के शेयरों में भी आई गिरावट। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए VIP कोटे को खत्म किया, अब आम हज यात्रियों की तरह ही इन्हें करनी होगी यात्रा। दिल्ली में ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज, अभिनेता शाहरुख खान ने लॉन्च की हुंडई की आइनिक 5। ऑटो एक्सपो में मारुति की एथेनॉल से चलने वाली वैगनआर भी हुई लॉन्च। बिहार के बक्सर में किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, आधी रात में घर में घुसकर पुलिस ने किसानों पर दिखाई बर्बरता, भड़के किसानों ने गाड़ियों को किया आग के हवाले, पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का किसान कर रहे थे विरोध। जोशीमठ में अपने आशियाने को बचाने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज, डेंजर जोन के मकानों को गिरा रहा है प्रशासन, हरकत में पुष्कर धामी सरकार, मुख्यमंत्री जोशीमठ में करेंगे कैंप। MP अजब है, गजब है और सजग भी, इंदौर में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ में बोले PM मोदी, बोले CM शिवराज, मध्य प्रदेश शांति का टापू, दिल खोल कर निवेश करे निवेशक। भोपाल में करनी सेना का भाजपा सरकार के खिलाफ शंखनाद, कार्यकर्ताओं से बोले सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर, कम खाओ भाजपा को हराओ, धरने पर बैठी महिलाओं ने भी भाजपा को हराने की अपील। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो का सफर, केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया किराया, मुसाफिरों को अब 11 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा किराया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एक 10 वर्षीय बच्चे की मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की, जो मुंह के ऊपरी हिस्से में सिस्टिक ग्रोथ से पीड़ित थी, इसके कारण उसके साइनस की हड्डियां प्रभावित हुई है। भाजपा का आरोप, दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी के शिक्षकों व चिकित्सकों को वेतन नहीं दे रही, आबकारी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए उसने सरकारी कोष से 25 करोड़ रुपए विधिक फीस के रूप में दिए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2023 में भारत की रैंक 85वीं, रैंकिंग में जापान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, 109 देशों वाली सूची में पाकिस्तान 106 नंबर पर, उससे नीचे सिर्फ 3 देश। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ CRPF जवानों की मुठभेड़, टोंटो जंगल में IED विस्फोट में 5 सुरक्षा कर्मी घायल, इनमें 3 जवान और 2 हवलदार शामिल। बम्बई उच्च न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने बेचने की अनुमति दी, अदालत ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सख्त बताया और उसे खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI के जरिए कम राशि के लेन देन को देंगे बढ़ावा, 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच राजमार्ग पर खगिया खेड़ा गांव के पास बड़ा हादसा, सड़क किनारे चाय पी रहे लोगों को डंपल ने कुचला, हादसे में कम से कम 6 लोगों की। कनाडा की राजधानी बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा ढहने की घटना के सिलसिले में नागार्जुन विनिर्माण कंपनी, उसके 5 अधिकारियों और बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। इस हादसे में एक महिला और उसके छोटे बच्चे की मौत हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस के गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी, एक शख्स ने बिना किसी उकसावे के चाकू से हमला कर 6 लोगों को घायल किया। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डेरमिनी ने बताया, पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी, घायल हमलावर अस्पताल में भर्ती। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 10 अंक की मामूली गिरावट के साथ 60106 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 18 अंक टूट कर 17896 अंक पर हुआ बंद। SS राजमौली की फिल्म RRR ने रचा इतिहास, फिल्म के तेलुगु गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। PM मोदी ने बधाई देते हुए बताया इसे ऐतिहासिक पल। राजकुमार संतोषी की मूवी गांधी गोड से एक युद्ध का ट्रेलर रिलीज, इसमें 2 विपरीत विचारधाराओं के युद्ध को दिखाया जाएगा, 26 जनवरी को फिल्म होगी प्रदर्शित। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।